नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम इस चैप्टर में हैदराबाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैंने स्टार भी लगा रखा है, देख सकते हो। स्टार का मतलब ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और एक और चीज की हैदराबाद के साथ साथ यहाँ पे मैंने मणिपुर के बारे में भी बता रखा है। तो इस दो, हालांकि आपके बुक में दो अलग अलग टॉपिक थे, तो मैंने कहा इसको एक ही में कवर कर देते तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। और हैदराबाद का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मणिपुर से ज्यादा हैदराबाद का इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हैदराबाद का जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, मतलब इवन जब मैंने बोर्ड्स एग्जाम दिया था तो मेरे बोर्ड्स एग्जाम में भी हैदराबाद का टॉपिक आया था। और मेरे टीचर ने भी यही बताया था कि हैदराबाद का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आता है, हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी, यानी हैदराबाद जो फैला था और जो उसका मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा था ये हैदराबाद। ये रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी थी, मतलब कह सकते हो कि हैदराबाद बीच में था और आसपास कितने थे, बाकी सारे जो इलाके थे वो हिंदुस्तान के थे। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटका और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में है। जो पुराना हैदराबाद है अगर उसको देखा जाए तो उसके कुछ हिस्से महाराष्ट्र में जा चुके हैं, कर्नाटका में मिल चुके हैं और जो बाकी हिस्से जो बच गया वो आंध्र प्रदेश में मिला। तो आप सोच सकते हो कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश को जोड़कर कितना बड़ा हैदराबाद बन जाएगा। तो इतना बड़ा उसका हैदराबाद था, एक अनुमान लगा सकते हैं। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था, निजाम बेसिकली किंग को ही कहा जाता है, और वह दुनिया में सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। तो हैदराबाद का जो निजाम था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, पावरफुल होने के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा पैसा वाला था। और जब कभी गिनती की जाती थी कि भाई दुनिया में कितने अमीर लोग हैं तो बेसिकली निजाम का भी नाम आ जाता था कि भाई हैदराबाद के अंदर जो किंग होता है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और पैसे वाला होता है। अब बेसिकली निजाम क्या चाहता था, निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आजाद रियासत का दर्जा दे दिया जाए। इट मीन्स कि वो ये चाहता था कि हैदराबाद को एक अलग देश बनाने का उस मौका दिया जाए। मतलब मौका क्या दिया जाए, वो अलग देश की मांग ही कर रहा था कि हम भारत के अंदर नहीं जुड़ेंगे, हम ना ही पाकिस्तान के अंदर जुड़ेंगे, हम अपना एक अलग देश बनाएंगे, और ऐसा उसने मांग किया। निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। तो 1947 में भारत के साथ उसने समझौता किया कि देखो अभी बातचीत करते हैं, क्योंकि भारत भी बातचीत कर रहा था हैदराबाद से कि आप हमसे जुड़ जाओ, लेकिन 15 अगस्त 1947 तक बात नहीं बनी। तो उसके नवंबर तक बात चलती रही, तो उन्होंने फाइनली क्या कर दिया, मतलब बातचीत का दौर तो चलता ही रहा, बट उन्होंने कंडीशन कर दी कि देखो अभी जैसा सिचुएशन है जितना हिस्सा भारत के अंदर है वो उसको वहीं रहने दो, और जो हमारा हैदराबाद जितना है उसको उसमें दखल भारत ना करे, वैसे ही रहने दो, बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या आप हमें अलग देश बनने का मौका दोगे कि नहीं दोगे। और भारत बिल्कुल नहीं चाहता था कि हैदराबाद जो है वो अलग देश बने, क्योंकि बहुत ज्यादा खराब हो जाता हालत फिर। ये समझौता एक साल के लिए था। इस बीच भारत सरकार से हैदराबाद के निजाम की बातचीत जारी थी, मतलब बातचीत बेसिकली निजाम इस बात पे अड़ा रहा कि हम भारत के अंदर नहीं आएंगे, और भारत इस बात पे लेकर अड़ा रहा कि आप भाई आ जाओ, हम आपको लालच देता रहा भारत की, हम आपको ये सुविधाएं देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब हैदराबाद को मनाने की बहुत सारी कोशिश की गई। पर इसी दौरान क्या हुआ, हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है, कि जो हैदराबाद के लोग थे वो, आप इससे समझ सकते हो कि आंदोलन हुए, तो इट मींस कि हैदराबाद के अंदर जो उनके जनता थी वो निजाम से ज्यादा खुश नहीं थी। निजाम से इसलिए हो सकता है खुश ना हो क्योंकि वो उनके लिए काम नहीं करता हो, बस अपने ही मजे में रहता हो, लोगों की जनता की कोई परवाह ही नहीं, ना उसको यही मतलब नहीं कि जनता को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, गरीबी कितनी बढ़ रही है, ऐसा कुछ मतलब ही नहीं रह रहा है। तो हो सकता है इस वजह से जनता बहुत ज्यादा गुस्से में हो गई। अब ऐसे में क्या हुआ, तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर पे दुखी थे, क्योंकि जो निजाम का जो शासन था वो दमनकारी था, मतलब अगर आप बात माने तो माने ठीक, नहीं माने तो आपको बल के सहायता से आपको चीज को मनवाया जाएगा, यानी आप पे दमन करवाया जाता था। इट मीन्स आपको जबरदस्ती ही करवाए वो चीजें करवाई जाती थी, तो लोग गुस्सा हो जाते थे कि ये जबरदस्ती का काम हमसे ना करवाओ।
वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए, धीरे धीरे करके एक आंदोलन पकड़ा और धीरे धीरे सभी लोग बात करते 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 आंदोलन खड़ा उठा कि भाई हम निजाम के खिलाफ करेंगे, निजाम तो बहुत हमारे साथ गलत कर रहा है। महिलाएं निजाम के शासन में सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार हुई, महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आ खड़ी और महिलाओं के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जाता था, उनकी जो स्थिति उसको सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया गया। तो ऐसे में महिलाएं जो थी वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी, इवन उनके राज्य में महिलाओं की हालत और ज्यादा खराब हो गई। तो ऐसे में क्या हुआ कि लोग महिलाएं भी इस आंदोलन में कूद पड़ी कि भाई हमें भी इस निजाम से मुक्ति चाहिए, ये तो बड़ा गंदा इंसान है, हमारे लिए भी काम नहीं कर रहा। हैदराबाद शहर दंगों में गढ़ बन गया, तो हैदराबाद जो शहर था वहां पे दंगे होने लगे क्योंकि आंदोलन हो रहे, अब जो निजाम है अपने सैनिकों को भी भेजेगा तो इधर से उधर से तो लड़ाई होना तो तय ही है। और कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे, तो जो आंदोलन चल रहा था इसको कम्युनिस्ट भी सपोर्ट कर रही थी और हैदराबाद के अंदर जो कांग्रेस थी वो भी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी। आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया, तो उसने सोचा कि हम सैनिक को रवाना कर देंगे जिससे आंदोलन चूर चूर हो जाएगा, डर जाएंगे। इसे रजाकार कहा जाता था, अर्धसैनिकों को क्या कहा जाता था, रजाकार। और जो रजाकार होते थे वो अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे, यानी वो बहुत ही ज्यादा धर्म के नाम पे बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे और अगर एक बार हुक्म मिल गया तो कुछ भी नहीं देखते थे, बहुत ही बुरा अत्याचार वो लोगों पर किया करते थे, उनको मारते पीटते बहुत बुरी तरीके से थे। तो ऐसा उसने निजाम ने रवाना कर दिया, रजाकार को भेज दिया कि जाओ भाई कुछ करो काम इन लोगों का। तो बेसिकली निजाम का ये सोचना होगा कि भाई भेज देते हैं लोग डर जाएंगे और ऐसे में जो आंदोलन है वो बंद हो जाएगा। रजाकार अवध दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे, रजाकारों ने जो गैर मुसलमानों के खास तौर पे अपना निशाना बनाया, तो सांप्रदायिक वही धर्म के नाम पे, तो जो मुस्लिम्स थे उनको तो उसने उतना ज्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन जो मुस्लिम्स नहीं थे जैसे हिंदू थे, सिख थे, ईसाई, जो भी लोग रहते थे अलग धर्म के, उनको निशाना बनाया और रजाकारों ने लूटपाट मचाई, हत्या तथा बलात्कार पे उतारू हो गए। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने पहुंची, यानी भारतीय सेना पहुंची कि भाई ये तो आपके शासन में बहुत ही गलत कुछ हो रहा है, तो फाइनली भारत भी कूद पड़ा इसके अंदर। कुछ रोज तक रुक रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर लिया, इसके बाद हैदराबाद का भारत के अंदर विलय हो गया। तो ये कुछ कहानी थी भारत का किस तरीके से विलय हुआ, फाइनली वो हार मान गया और उसने आत्मसमर्पण कर लिया और हैदराबाद का भारत के अंदर विलय कर दिया गया। तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से भारत के अंदर हैदराबाद को जोड़ा गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हो, कैसी लगी है आप कमेंट करके भी बता सकते हो। तो अब हम अगला पॉइंट शुरू करते हैं दूसरा, जो कि मणिपुर से है। मणिपुर से भी पूछ लिया जाता है, वैसे ज्यादा तो चांस कम रहता है, बस कुछ चीजें पूछ ली जाती है मणिपुर से, ऐसा नहीं है कि पूछा ही नहीं जाता, ये कहना गलत होगा। आजादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा बोध चंद सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय पर एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कुछ रोज पहले उन्होंने साइन कर लिया था कि चलो ठीक है हम आपसे जुड़ जाते हैं भारत से। इसकी अवज में भारत ने उन्हें आश्वासन दिया गया कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी, यानी जो आपकी फ्रीडम है वो हम देंगे, आपकी फ्रीडम के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जैसा आप काम करना चाहते हो, जैसा आप रहना चाहते हो, जो भी आप यहाँ पे शासन चलाना चाहते हो चलाओ, हम बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव में फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संविधानिक राजतंत्र कायम हुआ। 1948 में जनमत का दबाव डाला गया भारत सरकार की तरफ कि भाई एक बार जनमत करवा लो, लोगों से पूछ लो कि उनकी क्या राय है, तो ऐसे में दबाव डाला गया। तो जब दबाव हुआ तो चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत के अंदर क्या हुआ, जो मणिपुर का जो हिस्सा था उसमें संविधानिक राजतंत्र कायम हो गया। संविधानिक राजतंत्र कायम होने का मतलब कि वहां पे संविधान भी है और राजा भी, यानी राजा और संविधान दोनों ही मिलकर काम करेंगे। मणिपुर भारत का पहला भाग था जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के अपनाकर चुनाव हुआ है, यानी भारत अगर एग्जाम में ये पूछ, देखो कहा था ना इम्पोर्टेंट, यहां से पूछ लेता है ये टॉपिक कि भाई भारत का वो कौन सा राज्य था जहां पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी अडल्ट होने पर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार, बेसिकली यही होता है
कि जब आप एक 21, क्योंकि उस वक्त की एज क्या थी, 21 थी, तो जो 21 साल के लोग थे, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, या किसी भी धर्म जाति के हों, उन सभी लोगों को वोट देने का अधिकार यही होता है, सार्वभौम वैश्य मत अधिकार। तो भारत के अंदर मणिपुर वो पहला राज्य बना जहां पर इस बेस पर, इस वैश्य मत अधिकार पे चुनाव सिद्धांत को अपनाकर चुनाव करवाए गए। मणिपुर की विधानसभा में भारत के विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। तो जो मणिपुर की जो विधानसभा थी, बेसिकली जहां पे डिस्कशन हुआ करते थे, सवालों को उठाया जाता था कि मणिपुर में क्या चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, जैसे कि विधानसभा होती है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, बेसिकली यहां पे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं कि देश को क्या करना चाहिए, उस राज्य को क्या करना चाहिए, ऐसे सब। तो मणिपुर की भी विधानसभा में भारत के विलय के लेकर बड़े गहरे मतभेद थे कि ये तो भाई गलत हो रहा है, भारत ने जो चीजें कही थी वो तो पूरा नहीं कर पा रहा, वो हमारी स्वायत्ता में दखल दे रहा है। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। वो कुछ पार्टियां चाहती थी कि उसको भारत के अंदर जोड़ दिया जाए, कुछ पार्टियां, बेसिकली कांग्रेस ही चाहती थी कि जोड़ दिया जाए, और जो अलग पार्टी थी वो नहीं चाहती थी कि भारत के अंदर जुड़े। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श के किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वो भारतीय संघ में शामिल हो जाए। तो वहां की जो निर्वाचित विधानसभा थी, यानी जिनको चुनकर लोगों ने भेजा था उनको कि चलो आप विधानसभा में जाओ, हमारे लिए निर्णय लो, उनसे डिसीजन नहीं लिया गया, उनसे नहीं पूछा गया, और भारत सरकार ने दबाव डाला किस पे, राजा पे दबाव डाला कि भाई आप हमसे जुड़ जाओ। तो ऐसे में राजा पे जब दबाव डाला गया तो उसने क्या कर दिया, जो वहां के राजा थे उन्होंने सहमति पर हस्ताक्षर कर दिया। तो भारत सरकार को सफलता मिली। मणिपुर ने इस कदम को लेकर क्रोध और नाराजगी के भाव पैदा हो, क्रोध होना जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा तुमने भाई राजा से तो पूछ, लेकिन जो निर्वाचित विधानसभा थी, जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा था, उनसे तो कम से कम पूछे होते कि वो लोग जुड़ना चाहते हैं कि नहीं जुड़ना चाहते, सिस्टमैटिक तरीके से किए होते, ये तो बहुत ही गलत आप लोगों ने हमारे साथ किया, धोखाधड़ी की है, ऐसा कह सकते हैं। तो भारत सरकार को लेकर अभी भी वहां के लोगों में क्रोध और नाराजगी का भाव हम देख सकते हैं। यहां से बेसिकली हैदराबाद का पढ़ लेना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का थोड़ा पढ़ लेना, और इसका थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, पर हैदराबाद का जरूर पढ़ना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में हैदराबाद से टॉपिक आना कन्फर्म है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, और तब तक के लिए बाय बाय। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने कमेंट करके भी हम मुझे आप बता सकते हैं।